जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, लॉ मिनिस्टर ने खुद ही मान लिया कि पाकिस्तान का राइट ही नहीं है रावी रिवर के ऊपर। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये नहीं कहा गया कि इंडिया आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बिराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। 95% इंडिया रावी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, 5% पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है, पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया ने आपके दरिया का रुख मोड़ दिया है, 207 मेगावाट के करीब वो बिजली बना रहा है, 38,000 हेक्टेयर उनकी जो है वो जमीन से राब हो गई है। अगर ये कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन में उनके साथ ऑलरेडी जा रहे हैं, इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं। और मैं इसके आपकी वजह बता रही हूँ, जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उन्होंने कश्मीर के जितने भी राइट्स थे उनको वायलेट किया, बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। मुझे इस हाउस से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है। मेरे ख्याल में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर को होना चाहिए, फॉरन मिनिस्टर को होना चाहिए कि इन्होंने कितने नोटिसेस भेजे। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा, आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए। जी मिनिस्टर साहब, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है, और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अकल के दलील से बात करें। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूं और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊं। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूं। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है, हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? आपने 1960 में, क्योंकि ये वो रिवर्स हैं, दरिया हैं जिनके ऊपर जंगें होती रही हैं, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है, इस्लामी तसव्वुर पर मबनी एक माशी निज़ाम दुनिया के सामने हमें पेश करना होगा। फिर इस बात को आगे बढ़ाकर जिस ऐवान में आज हम बैठे हैं और जिस आइन के तहत बैठे हैं, शहीद जमहूरियत जनाब शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में जो ये जो आइन बनाया सर, उसका जो प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल क्या कह रहा है? जिस अल्फाज से पाकिस्तान का आइन शुरू हो रहा है कि वेयर इज द सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय हिम इज अ सेक्रेट ट्रस्ट। और फिर यही नहीं सर, आगे चल के जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 19 कायद आजम की इस बात पर ये वजह पेश आई कि भाई ये निज़ाम, फाइनेंशियल निज़ाम उस तरह से नहीं चल रहा जिस तरह से कायद आजम ने परसीव किया था, विजन था उनका, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस आइन की किताब में 1973 के इस आइन में आइन का के आर्टिकल 38F एक लाइन का आर्टिकल है सफ, मैं आपको उसे पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उसको। आइन के आर्टिकल 38F में एक्सप्लिसिटली, इसकी किसी तर्जुमे की किसी तशरी की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर की जरूरत नहीं है, और वो ये लिखा है कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो सूदी निजाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, उसको 1973 के इस ज़ुल्फ़िकार अली शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखा है कि हम इसे एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। एज अर्ली एज पॉसिबल कब तक? 51 साल हो गए, 73 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए, आज हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक नहीं हो पाया। 2022 में सर अप्रैल में मुत्तई दफा डिसीजन देने के बाद आखिरी डिसीजन 2022 में सुप्रीम ये शरी कोर्ट ने पेश किया और उन्होंने कहा कि रिबा को उन्होंने हराम कहा और कहा कि सब कुछ जो है वो अगले 5 सालों में खत्म हो जाना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और
और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये आईन में ये बात क्यों कही? मैं आपके सामने सर सिर्फ दो कुरान की आयतें नो आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर आपकी आपकी इजाजत से, और वो ये कि सूरह बकरा की आयत नंबर मैं आपके सामने रखता हूं सर 278। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी तुम किसी के जिम्मे है बाकी रह गया उसे छोड़ दो। अगली बात सर खतरनाक, फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, ना तो ना तुम किसी पर जुल्म करो ना तुम पर कोई जुल्म करे। सर अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। हम इस पाकिस्तान के निजाम को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब आप इसको और जवाब देंगे, हम इस पाकिस्तान के निजाम को। और अगली बात सर एक लाइन और पढ़ता हूं मैं, अल्लाह की किताब से एक लाइन और पढ़ता हूं, ये सूरह बकरा की आयत है 276। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। मैं सर बहुत ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत एहतराम है इनका। हम रोजाना भी आज भी इनका बयान छपाए अखबार में कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत प्रोग्रेस करने वाली है, बहुत ज्यादा जो है फ्लरिश होने वाली है, IMF से नई डील होने वाली है, मुल्क में जो है वो नंबर्स जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो जो है वो 1 डिजिट में आ जाएगा। सर अल्लाह कह रहा है, और ये किस बेस पे इकॉनमी है? ये सूद की बेस पर इकॉनमी है। रब कह रहा है कि मैं सूद को मिटाकर रहूंगा, अल्लाह कह रहा है अपनी किताब में कि मैं कि अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? हमारे अल्लाह ताला की बात, हमें अगर हम ये कहते हैं कि हम ये सूदी निजाम में इस मुल्क को तरक्की देंगे खुशहाल हो जाएगा मुल्क, तो ये अल्लाह की ताकत के साथ ये जिद है। इसका मतलब है कि अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क में हमसे ये जंग नौजुबिल्ला हार गया है। हम इस सूदी निजाम में रहकर जो इस मुल्क में खुशहाली पैदा करेंगे ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। इस मुल्क की हर घर की दीवारें सोने की ईंट की हो जाएं और छत जो है वो चांदी की हो जाए, फिर भी मैं कहूंगा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जीतेगा, और हमारे लिए धोखा है। हम देख नहीं रहे 70 सालों में कि हमारे पास हमारे हालात क्या हो गए, कहीं से कुछ कोई चीज सुधरने के काबिल नहीं है। आज हम ना कुरान मान रहे हैं, और सर इसके साथ में आपके सामने दो बातें और रखता हूं। ये तो मैंने आपको कायदे आजम की बात बता दी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन बता दिया, अल्लाह की किताब से कोट कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैं दो हदीसें आपके सामने कोट करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खोरी के गुनाह के 70 हिस्से हैं, इनमें से अदना और मामूली ऐसा है जैसे अपनी मां के साथ बदकारी करना। एक बात, अगली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में सूद और जिना फैल जाए वो दुनिया में ही मुस्तहिक अजाब हो जाती है। सर अल्लाह की किताब मान नहीं रहे, कायद आजम को मान नहीं रहे, अल्लाह के रसूल की किताब को, अल्लाह के रसूल की बात मान नहीं रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो का ये आइन 38